बीते दिनों कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक की ओर से सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ता की पोस्ट शेयर की गई थी। इसे लेकर बड़ा बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पंखुड़ी के पति और सपा नेता अनिल यादव ने अपनी पार्टी से एक वीडियो संदेश शेयर कर इस्तीफा तक दे दिया। सपा नेता ने वीडियो संदेश में अपनी ही पार्टी सपा के खिलाफ कई इल्जाम लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। पंखुड़ी पाठक ने अपने सोशल मीडिया पर दो फोटो शेयर किए। पहला फोटो प्रियंका गांधी का था, जिसमें वो किसी पीड़ित परिवार से जमीन पर बैठकर बात कर रही थी। वहीं दूसरा फोटो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का था, जिसमें वो सोफे पर बैठकर पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे। पंखुड़ी ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, समाजवाद वर्सेस समाजवाद का लिफाफा। इसके बाद पोस्ट सोशल मीडिया पर इतना वायरल होने लगा कि पंखुड़ी ने आरोप लगाया कि कुछ सपा नेताओं ने उन्हें ट्रॉल किया। इससे लेकर पंखुड़ी ने हजरतगंज कोतवाली में एक ट्रोलर के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। इससे आहत होकर सपा नेता और उनके पति अनिल यादव ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। अनिल यादव ने इस्तीफे को लेकर कहा कि मेरे लिए सपा छोड़ना मुश्किल था, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कॉलेज के समय से पार्टी से जुड़ा हूँ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी के बारे में सपा नेताओं ने अश्लील टिप्पणी की। इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए एक वीडियो संदेश में भी साझा किया है। आइए नजर डालते हैं अनिल यादव की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो संदेश पर। उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं, वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहां जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहां प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। सपा से इस्तीफा देने का मुख्य कारण अनिल यादव ने पार्टी का महिलाओं की सुरक्षा पर जोर ना देना बताया। इतना ही नहीं, अनिल यादव ने पार्टी में उन नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिन्होंने उनकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन पार्टी ने नेताओं के खिलाफ कोई कदम उठाने के बजाय अनिल को ही चुप रहने की सलाह दी। इसके बाद अनिल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक वीडियो संदेश के जरिए अपना इस्तीफा थमा दिया। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।